ग्वालियर में फ्रंट लाइन वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे लोगों का सेना ने सम्मान किया और हौसला बढ़ाया है। इस दौरान प्रशासन के बड़े अधिकारी मौजूद रहे। कोरोना महामारी से जंग लड़ रहे कोरोना योद्धाओं का सेना के जवानों द्वारा सम्मान किया गया। कलेक्टर कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में सेना के अधिकारियों ने राजस्व, पुलिस, चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, नगर निगम सहित मैदानी अमले को सम्मानित किया और उनके कार्यों की प्रशंसा की। गौरतलब है कि लॉकडाउन के चलते सबसे ज्यादा वर्कलोड पुलिस, चिकित्सक, नगर निगम और राजस्व अमले पर पड़ रहा है। उधर सेना के अधिकारियों ने फूल बाग चौराहे पर भी हेलीकॉप्टर से पुलिस के जवानों पर पुष्प वर्षा कर सम्मान किया। पुलिस ने भी तालियां बजाकर सेना का स्वागत किया। भूरी भूरी प्रशंसा की जाए उतना कम है। आज हमारे जो जब से लॉकडाउन लगा हुआ है तब से हमारी पुलिस विभिन्न गलियों में, चौराहों में जो कोरोना फाइटर्स का काम कर रही है, जनता और उसके कोरोना के बीच में सेतु का काम कर रही है, उसके सम्मान में आज वायुसेना ग्वालियर द्वारा हेलीकॉप्टर से फूलबाग चौराहे पर वर्षा करके हमारे कोरोना फाइटर्स, हमारे पुलिस प्रशासन का, हमारे पुलिस प्रशासन के सम्मान में पुष्प वर्षा की है, जो नहायत ही तारीफ़ काबिल है। अभी भी देखिए, अभी भी लगातार हेलीकॉप्टर से वर्षा हो रही है और लगातार पुष्प वर्षा की जा रही है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।